बात करेंगे मारवाड़ जंक्शन की, जहां की सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ को हटाने के लिए ग्रामीण अपनी मांगों पर कई घंटों तक अड़े रहे। बता दें कि दो भाइयों के झगड़े में एक भाई की मौत हो गई थी। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर हॉस्पिटल के स्टाफ को हटाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर जल्द ही हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो 1 जनवरी को कैंप का बहिष्कार किया जाएगा। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और तुरंत ही डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति के आदेश देकर पोस्टमार्टम करवाया है। तो ये पूरा मामला राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीणों ने हंगामा किया है। बता दें कि दो भाइयों के झगड़े में एक भाई की मौत हो गई थी। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के लिए या जो भी मरीज आता है, ना तो डॉक्टर मिलते हैं, ना यहाँ कोई स्टाफ केयर करता है, ना किसी की मदद करता है, सिर्फ यहाँ से रेफर करते हैं। हम यहाँ के अस्पताल की अव्यवस्थाओं से पूरा गांव त्रस्त है। हमारे सब गांव ग्रामीण जनों की ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से यहाँ के डॉक्टर को और यहाँ के स्टाफ को एपीओ किया जाए और यहाँ के हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं सही की जाए। तो मारवाड़ जंक्शन से बड़ी खबर, जहां सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ को हटाने के लिए ग्रामीण अपनी मांगों पर कई घंटों तक अड़े रहे। बता दें कि दो भाइयों के झगड़े में एक भाई की मौत हो गई थी। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होने से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मारवाड़ जंक्शन से संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जुगल जी, ये बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आखिर क्यों ग्रामीणों को हंगामा करना पड़ा और आखिर क्यों डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है? क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी बताइए जी। मनीष जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला था, जो दो भाइयों के आपसी झगड़े में एक की मौत हो गई थी, उसको लेकर पोस्टमार्टम को लेकर वो बवाल हुआ था कि वक्त पर डॉक्टर नहीं मिलने से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और ऐसी जो शिकायतें हैं वो पहले ही मिल रही थी, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया, जहां मारवाड़ जंक्शन से डीसीएमओ दीप गुजर, मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सकावत ने मामला उनसे बात करके समझाइश करके सही किया। आपको बता दें कि उन्होंने व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे तथा प्रदर्शन किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से सही नहीं चल रही है और समय पर डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं तथा इसी को लेकर ये विवाद हुआ था। जी बिल्कुल जुगल जी, लेकिन सूचना मिली तब प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश दिए, तो क्या वहां पहले से कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं था? नहीं, वहाँ पहले ऐसी कुछ थी नहीं और इससे पहले भी कुछ मामले ऐसे ही सामने आए थे, जो समय पर डॉक्टर कई जगह मिलते नहीं है और मिलते हैं तो वो मौके पर उपस्थिति उनकी नहीं होती है। तो यही आक्रोश ग्रामीणों का था और समय पर पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण गुस्से ग्रामीणों ने फिर ये जो प्रदर्शन है वो किया तथा उन्होंने मांग भी की है कि चिकित्सा जो कर्मचारी थे जितने भी उनको एपीओ किया जाए, ये भी मांग रखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चिकित्सक है जो अस्पताल में नहीं होने की वजह से मृतक के शव का पोस्टमार्टम समय पर नहीं हो पाया था। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मारवाड़ जंक्शन से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीणों ने हंगामा किया और सूचना मिलते ही प्रशासन वहां पर पहुंचा और तुरंत ही डॉक्टर की नियुक्ति के आदेश दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब व्यक्ति की मौत हुई तभी प्रशासन क्यों जागा और आखिर क्यों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति पहले से नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है।